आ जाइए आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। कुछ बच्चों के डाउट्स थे, कुछ बच्चों के हो गए थे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मुझे अब आपके वर्क करना पड़ेगा। पिछली क्लास से थोड़ा मिलता जुलता ये क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा मतलब एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या कहता है हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन था क्या? हाँ यही है। गीता लिमिटेड इशू 6 लाख। तो मैं यहाँ पे एक रफली इधर ही बना लेता हूँ। क्वेश्चन के नीचे हमने इशू किए, सर इशू कितने किए? 6 लाख से। 10 रुपीज पेबल और 10 रुपये पेमेंट करना था इसका। और इस 10 रुपये का डिटेल है हमें गिवन, इस 10 रुपये का हमें डिटेल गिवन। अरे क्या हुआ? सर क्या डिटेल गिवन है? डिटेल गिवन है 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1। नहीं 2 रुपये, फिर से ये डिटेल मेरे हिसाब से आप सभी को दिख रहा होगा। और ये क्या आ गया बीच में? सर ओह अगर आप सभी बच्चों को जैसे बाहर का आउटसाइड का नॉइस अगर आ रहा हो तो बताइएगा, मैं माइक चेंज कर दूंगा फिर। सर उसमें ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब का क्वेश्चंस था, वो आपने हमें नहीं कराया। आप लास्ट वाली वीडियो में देखिएगा है, पर हम अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? अगर डिस्टरबेंस आ रही हो तो आप बताइएगा, मैं माइक चेंज कर दूंगा, क्योंकि नीचे एक साइड में ही आउटसाइड में जागरण हो रहा है, तो मे बी आई डिस्टर्बेंस आपको। और यहाँ कहता है साहब मैंने एप्लीकेशन जो रिसीव किया दैट इज 10 लाख। और वो 10 लाख कैसे हैं? यहाँ पे दो शब्द हैं सर, अप्लाई और एक है अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब होता है आपको मिला, अप्लाई का मतलब होता है आपने मांगा। तो हमेशा याद रखिएगा कंपनी में कभी भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि जितने शेयर्स आप मांगोगे और उतने आपको मिल ही जाए। यहाँ पे कहता है एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मांगे 5,20,000, ओके, और उसको हमने फुल दिया। फुल का मतलब भैया मैंने उसको दिया, उसको मिला या दिया 5,20। एक ने मांगा 3,60, ठीक है भैया, लेकिन उसको हमने 3,60 तो नहीं दिए, मात्र 80,000 दिए। एक ने मांगा 1,20, तो जिसने मांगा 1,20 उसको हमने 0 दिए, उसको दिए ही नहीं। तो जिसको हम कुछ नहीं देते उसके पैसे को हम क्या करते हैं? रिफंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं, ठीक है? और जब कभी भी आप देखोगे ना कि इनके बीच में डिफरेंस मांगा ह्यूज है, तो 50% से ज्यादा हो, तो इसका एक सिंपल सा वर्किंग नोट कर लेंगे तो हमें क्लियरिटी मिल जाता है, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा। एक्सेस मनी रिसीव एप्लीकेशन यूटिलाइज टू द अलॉटमेंट सब्सिक्वेंट कॉल ऑथराइज बाय द आर्टिकल एसोसिएशन जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन। चलिए सर क्वेश्चंस आपके सामने पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे होनी अभी कर देते हैं आपके सामने। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, आपने एप्लीकेशन रिसीव 10 लाख किया 3 रुपए, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कुछ स्टूडेंट और कई बार किताब में आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी देख सकते हो, इक्विटी शेयर भी देख सकते हो। सर नहीं आ रही एक्सटर्नल साउंड, नो डिस्टर्बेंस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपने जितने एप्लीकेशन रिसीव किया है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे सर? 10 लाख
मल्टीप्लाई 3, क्योंकि एप्लीकेशन 3 का है, तो ये 30 लाख लिख के चलोगे, ठीक है, आप लेके चलोगे 30 लाख। अगली एंट्री हम करेंगे, अगली एंट्री मजेदार है, शेयर एप्लीकेशन, ये तो 30 लाख ही होगा, लेकिन टू जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वो हमेशा जितना इशू किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 लाख से, यानी ये आ जाएगा हमारा 6 लाख मल्टीप्लाई 3, 18 लाख। अब हमारे पास मुद्दा है, इसका तो एडवांस है नहीं, इसका एक एडवांस फसला है और एक के पैसे वापस करने हैं, तो रिटर्न के जो अगर मैं कैलकुलेशन निकालू तो सर अगर रिटर्न की बात करोगे तो जिसको आपने कोई शेयर ही नहीं दिया, यानी 1,20,000 पब्लिक को आपने तो शेयर ही नहीं दिया, तो उसके 3 रुपए आपके पास आए तो आपको सिंपल सी बात है 3,60,000 वापसी करने चाहिए। लेकिन सिर्फ 3,60 वापसी नहीं होगा, इसके अंदर एक और हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। अब इसकी एक बार कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर मैं एक नंबर कैटेगरी, नंबर दो कैटेगरी, नंबर थ्री, इसको मैंने एक एग्जैक्ट कैटेगरी बांट दिया, पहली वाली को बोला कैटेगरी वन, दूसरे वाले को क्या बोला कैटेगरी टू, तीसरे वाले को कैटेगरी थ्री। कैटेगरी टू वालों ने क्या करा कि सर 3,60,000 शेयर के पैसे दिए, तो अगर मैं इसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करूं कि भैया तूने टोटल कितना दिया, तो इसने दिए हमें 3,60,000 शेयर के पैसे 3 लाख के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, तो टोटल इसने मुझे 10,80,000 रुपए दिए कि भैया मुझे शेयर दो। मैंने कहा भैया तुम्हें इतने तो शेयर नहीं मिल सकता, तुम्हें तो सिर्फ शेयर कितना मिल सकता है 80,000, तो तुम्हारे पैसे कट गए 2,40 तो कट गए, तो उसने बोला इतने ही मिलेंगे मुझे पैसे के शेयर। तो ध्यान से अगर देखो तो 8,40,000 हमारे पास इसका पैसा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये लाइन कहता है कि एक्सेस मनी को आप एडजस्ट करिए, तो हम इसके पैसे वापस नहीं देंगे, क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे। सो दैट हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम माइनस करके देखेंगे भैया तेरे से अगर मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगू तो कितना मांगूंगा, तो वेरी सिंपल 80,000 रुपए, 80,000 शेयर, और मिल्टू में अलॉटमेंट भी 3 का है, तो 8 या 24 यानी 2,40, यानी स्टिल इसके 6 लाख रुपए मेरे पर पड़ा हुआ है, कंपनी के ऊपर एडवांस पड़ा हुआ है। मैंने बोला चल भाई तेरे से कॉल भी मांग लेते हैं फर्स्ट कॉल, तो अगर फर्स्ट कॉल मांग लेता हूं तो अगेन क्या आएगा हमारा 80,000 × 2 यानी 1,60,000, तो अब भी इसके पैसे देखो तो 4,40,000 हमारे पास है। मैंने बोला चल भाई ठीक है 4,40,000 है, आप तेरे से और भी फाइनल कॉल मांग ही लेते हैं, फाइनल कॉल मांग ही लेते हैं, तो फाइनल कॉल देखा जाए तो फाइनल कॉल क्या होगा सर, फाइनल कॉल अगेन 80,000 × 2 1,60,000, स्टिल अब देखा जाए तो इसके कुछ पैसे बच रहे हैं। सर कितने पैसे बच रहे हैं मैं दिखा देता हूँ, तो सर स्टिल इसके 2,80,000 बच रहे हैं। अब आप सोचिए जो ये व्यक्ति है, इसके मैंने एप्लीकेशन के भी पैसे रख लिए, इसके मैंने अलॉटमेंट के भी पैसे रख लिए, इसके मैंने फर्स्ट कॉल के भी पैसे रख लिए, इसके मैंने फाइनल कॉल के भी पैसे काट लिए, तब भी इसका पैसा मेरे ऊपर निकल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब मैं क्या बोल के इसके पैसे रख सकता हूं, तो मेरे पास एक ही पॉइंट बचता है कि भैया इस पैसे को क्या करो, रिफंड कर दो, यही कर सकते हैं ना, इसके पैसे को क्या करो रिफंड, तो एक तो ये रिफंड करना है प्लस और भी रिफंड करना है हमें, रिफंड में ये निकलेगा 2,80, तो अल्टीमेटली आप जब देखोगे कितना रिफंड बन रहा है आपका 6,40,000 का रिफंड बन रहा है। तो मैं यहाँ पे यहाँ फिलहाल टू बैंक लिखने जा रहा हूँ, टू बैंक 6,40,000, तो आप ध्यान रखिए कि ये समझ में आना चाहिए कि 6,40,000 कैसे बैंक से वापसी हुआ है। यहां तक हर बच्चे को क्लियर है तो बता दीजिए, बच्चों ने बता भी दिया सर 640 रिटर्न टू बैंक, इसमें एरियर कितना शेयर का होगा, एरियर सौरभ नहीं होगा, क्योंकि एरियर तभी पॉसिबल होता है जब फेल होता है, यहाँ पे तो कोई फेल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ एडवांस का पैसा है।
यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है? जितने बच्चे लाइव है बता दीजिए कि सर ये फंडा क्लियर हो गया, बैंक से 6:40 वापसी होगा तो हम आगे बढ़ जाएं। और ये कैसे, ये सर हमें किससे पता चलेगा कि यही कैलकुलेशन करनी है? जब इसके बीच का फासला यानी अप्लाई और अलॉटेड के बीच का फासला 50% से ज्यादा हो, तो आपको इस तरीके का एक वर्किंग नोट कैलकुलेशन या माइंड में करके देख लेना है। ठीक है सर, एक बार दोबारा, चलो मैं एक बार शॉर्टकट लेके बताना चाहता हूँ। अब देखो सिंपल सी बात है भैया, तुम्हें मिलेंगे कितने शेयर? 80,000। तो 80,000 × 10 तुमसे कितने पैसे हम रख सकते हैं मैक्सिमम? अगर मैं तुमसे सारे के सारे पैसे मांग भी लूं तो तुमसे 8 ही लाख मांगूंगा, और तुमने दे कितने दिए? 10 लाख। 80,000 तो मीन्स अगर आपने 10 लाख 80,000 दे रखे और मैं आपसे जितना मर्जी पैसे मांग लू, फुल अमाउंट भी मांग लू, तो 8 लाख मांगूंगा। तो सिंपल सी बात है, 2,80,000 अभी भी मेरे पास पड़े जो आपको वापसी करना है। तो वो पहले वाला तो रिटर्न वो था जो कि बैंक से जीरो हो गया था, और दूसरा वाला न्यू जो कैलकुलेशन करके निकाल रहा, तो 6:40 हो गया टोटल। क्लियर है? कॉल्स इन एडवांस बच्चों ने कहा कि 6, 5, 60 होगा, बट हम इसको ना थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखेंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ताकि अच्छा रहे। एक बार आगे बढ़ते हैं, अब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं। एडवांस, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडवांस है? देखो यहाँ पे देखते जाओगे लिखते जाओगे, दैट इज 240। इसका फायदा मिलेगा आपको, आप इकट्ठा कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिख रहे हम। फर्स्ट कॉल पे कितना है, या फिर हम इसको लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया सर? 160 ये और 160 ये, 360। तो ये कॉल्स इन एडवांस जो बचा वो बचा 160 फर्स्ट कॉल का प्लस 160 फाइनल कॉल का। अलॉटमेंट एडवांस कैसे आ गया, वो तो सिंपल गिवन था, बैंक से कैसे हुआ? 3,20,000। हाँ 3,20,000 ये बैंक से पैसे वापसी कैसे आए? 360 तो डायरेक्ट आ गए और प्लस में 2,80,000, इसकी वर्किंग नोट हमने इधर लिखा हुआ है। अब आपका ये पूरा का पूरा क्या होगा, मैच हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहीं तक पॉइंट था जो कि आपको समझना था, इसके बाद के तो सारे पॉइंट्स एकदम सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है 3:20 ओके, इसके बाद के तो सिंपल सिंपल पॉइंट है सर। कैसे सिंपल है, करते हैं सर, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं है तो 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे बताइए कितना अलॉटमेंट का होगा, तो जवाब है सर 6 लाख ही तो शेयर थे और 3 तो कितने हो जाएंगे, लेकिन क्या पूरे 18 लाख मिलेंगे? नहीं सर, ये एडवांस का पैसा नहीं मिलेगा। तो जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो बैंक में हमें उम्मीद तो था कि 18 लाख आएगा, माइनस कर देंगे 2,40,000 पे, मीन्स 15 लाख। इसको करने के दो तरीके थे, डायरेक्ट और एंट्री। तो मैं ऐसे करूंगा, एरियर सॉरी एडवांस, एडवांस ऑन अलॉटमेंट सर कितने, 2 लाख और 2 आ जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट में पूरी पूरी एंट्री करके चल रहा हूँ 18 लाख। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आपसे पता है, स्पेशली वैसे फर्स्ट ईयर में नहीं पूछता कि ओपन आ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने का मतलब ये नहीं कि आपको अकाउंट ड्रॉ करके लेजर बनाना है। जर्नल एंट्री के अंदर अगर मैं एडवांस को रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं तो इसी का मतलब होता है ओपन इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या ओपन इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, आपको कोई अकाउंट नहीं बताने। सर सेकंड एंट्री में बैंक क्रेडिट इसलिए हुआ कि हम पैसे वापसी कर रहे हैं, इसलिए बैंक क्रेडिट हुए हैं। हाँ आगे देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का एडवांस था ना, शेयर फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन अब 6 लाख इंटू में 2 तो दैट इज 12 लाख, और यहां भी 12 लाख आ गया। ठीक है, अब जब बैंक में पैसे लेंगे तो अगेन हमारे पास एडवांस पैसा तो एक व्यक्ति ने तो पूरे दे रखे हैं, तो 12 लाख में से उसके माइनस कर देंगे, दैट इज 1,60,000। तो ये आ जाएगा, ये 12 लाख है, कितने आ जाएंगे, 10,40,000, और यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस 1,00,000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल
कितने? 12 लाख। आप फाइनल कॉल की एंट्री अगर मेरे से पूछते हो तो एज इट इज सेम रहने वाली है फाइनल कॉल की एंट्री, ये दोनों एंट्री एज इट इज सेम आ जाएगा, बस वहां पे क्या आ जाएगा फाइनल कॉल। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया, खत्म हो गया। बताइए कोई डाउट? रफ में बनाइए, क्योंकि कुछ बच्चे मान लो माइंड में कर भी लेते हैं, अगर कर लोगे आप माइंड में कि भैया 2:40, तो ये तो आप शॉर्टकट में निकाल पाओगे, लेकिन फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन तो करनी ही करनी पड़ेगी।